जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी था। काम से बचने के लिए वह नित नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक से गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा हुआ सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा, अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर से कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के जगह उसने रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी में पानी में गिरकर इस वजन को और भी कम किया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आलस का फल कभी न कभी मिलता ही है। एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। हमें अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसे ही और कहानियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।